स्पेशली पैसे छीन लेना और बाइक छीन लेना, ये घटनाएं हो रही थी, तुम्हारी टीम लगी हुई थी। ये तीन लुटेरे आपके सामने हैं, प्रेम कुमार, सचिन और अनंत, इनके ऊपर 11-11 मुकदमे लूट के, डकैती के और हत्या के प्रयास के कायम हैं। दो पे 11-11 है, एक पे 6 है। ये अमेज गाड़ी इनके पास है, अमेज गाड़ी से रास्ता पूछा मोटरसाइकिल वाले से कि भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, मुझे कहाँ जाना है। उसने रास्ता बताया, उसको मार के पैसे छीन लिए, अगले की मोटरसाइकिल छीन लिए। तो इनसे इनकी वो जो होंडा अमेज गाड़ी है वो भी चोरी की होगी, वेरीफाई कर रहे हैं। तो एक तो बरामद हुई है, एक इन्होंने जो लूट किया था मोटरसाइकिल की बजाज पल्सर वो बरामद है, और दो जगह इन्होंने 3,000 रुपये छीन लिए थे, एक से 1,800 रुपये छीन लिए थे। राहगीर आदमी के पास कितना पैसा होता है, 1,000-2,000-4,000 होता है। इन्होंने रास्ता पूछने के लिए रोका, पर गाड़ी से है कार से आदमी रास्ता बता देता है और मार के छीन लिया इन्होंने। तो ये बरामदगी इनसे हुई है पूरा। और अभी एक आदमी मेन है सुल्ली, वो अभी गायब है, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, वो मिलेगा। और भी बाइकें हमारे यहाँ मिलेगी। सर सही लोगों का गैंग है कि 5 लोगों का गैंग है, 3 गिरफ्तार हैं, 2 भी बाकी हैं। सर ये एजुकेटेड भी लगते हैं सर? यस, अब यही तो ताजुब की बात है। एक लड़का BSc कर रहा है, कि प्रेम कुमार जिसके 11 मुकदमे कायम हैं ये BSc कर रहा है, दूसरा इंटर कर रहा है, सचिन 11 मुकदमे कायम हैं लूट के और हत्या के प्रयास के, डकैती के, गैंगस्टर भी हुआ है इनका, तीसरे के खिलाफ 6 मुकदमे कायम हैं, इंटर कर रहा है। ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। मैंने अभी इनसे पूछा कि भाई अभी तुम अपराध से तौबा कर लो तो अच्छी बात है, अभी नई उम्र है, आगे देखिए क्या करते हैं, पूरी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ, पूरे गैंग को वर्कआउट करेंगे और बस्ट करेंगे।